بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے بے حس اور بے جوش رہنا ظلم ہے جرم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے جرم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے ظلم پہ خاموش رہنا ظلم ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے حضرات ذی وقار اللہ تعالی دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس دی توفیق خاص نال اج اسی جمعہ دے خطبہ اندر پھر جمع ہوئے ہاں دعا فرماؤ اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا جمعہ دے خطبہ اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے سورہ مائدہ دے اندر اللہ نے فرمایا فرمایا لَتَجِدَنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا فرمایا لوگو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو مخاطب فرمایا میرے سونے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی اس چیز نو دیکھو گے کہ لوگاں دے اندروں سب تو زیادہ مسلمانہ دے دشمن یا تے یہودی ہونگے تے یا مشرک ہونگے سب تو زیادہ مخالفت کرن والے مسلمانہ دی میرے سونے پیغمبر جی یہودیاں دی جماعت ہے اور قرآن پاک دے معتد مقامات تے اللہ نے فرمایا یو دو نصارہ تو اڈے دوست نہیں ہو سکتے اور میرے محترم بھائیو نبی علیہ الصلات والسلام تے اترن والا قرآن بھی اس بات نو واضح کردا ہے کہ یہ دو نصارہ مسلمانہ دے دوست کدی بھی نہیں سن تے کدی ہو بھی نہیں سکدے فلسطین او جگہ جندے اندر ملک شام شامل ہے اے او سرزمین ہے جس دے اعزاز دے اندر اللہ تعالی نے انبیاء کرام نو بھیجیا اے ملک شام بیت المقدس والی جگہ ہے او جگہ ہے جتھے مسلمانہ دا قبلہ اول ہے جنو بیت المقدس دے نام نال یاد کیتا جاندہ ہے اور اس سرزمین نو اے اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے کثرت نال اپنے انبیاء نو اسے جگہ تے مبعوث فرمایا اور تشریف لے آئے انبیاء کرام بعض تے ہجرت کر کے
मिसाल के तौर पर जनाबे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं भी अल्लाह ने इसे बैतुल मुकद्दस अंदर भेजा, जनाबे इसहाक अलैहिस्सलाम नूं भी भेजा, हजरत याकूब नूं भी भेजा, सैयदना यूशे अलैहिस्सलाम नूं भी भेजा, हजरत मूसा पैगंबर ने ते अपनी मौत की दुआ ही की कि या अल्लाह मैनूं मौत दवी ते बैतुल मुकद्दस के अंदर दवी। बा साढ़े मुसलमानों नूं पता ही नहीं मक्कातुल मुकरमा का तारफ मौजूद है, मदीनातुल मुनवरा क्योंकि उत्थे हज हुंदा है, मक्का मुकरमा अंदर मदीना मुनवरा सोने नबी की मस्जिद है। लेकिन याद रखिए किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस का भी तारफ जरूरी है और मुसलमाना नु बैतुल मुकद्दस की मनकबत और फजीलत और तारफ का पता होना चाहिए। नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया लोगो ओ जगह है जिहड़ी कयामत के करीब जदों यहूदी जदों हजरत सैयदना जदों वक्त गुजरिया पहले दौर की बात अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया यहूदियों ने जदों साजिश की हजरत ईसा अलैहि सलाम नूं कतल करन दी शहीद करन दी ते अल्लाह ने जिंदा उठा लिया हजरत ईसा पैगंबर नूं आसमाना ते ते जनाब ईसा अलैहि सलाम का दोबारा नजूल होएगा कयामत के करीब। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हजरत ईसा अलैहि सलाम दोबारा दुनिया ते आणगे तबलीग मेरे दीन दी करनगे और ईसा अलैहि सलाम ने दुआ भी की सी या अल्लाह मैं उम्मत मुहम्मदिया च होना चाहना सलसल ते ईसा अलैहि सलाम दी दुआ भी फिर मुश्ताक बने अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया जो आणगे फिर तबलीग करनगे ते ईसा अलैहि सलाम लुद दे मुकाम ते बैतुल मुकद्दस दे लागे उह जगह उत्थे दज्जाल नूं कतल करनगे। ओ जगह जिदे बारे अल्लाह दे कुरान ने कहा बारकना इहदे अंदर मैं अल्लाह ने बरकतां रख दित्तियां ने और फिर अल्लाह ने जदों इंसान नूं बनाया ना ते अल्लाह ने दो चार जिहड़ियां अल्लाह नूं प्यारियां जगह लगदियां सन ना अल्लाह ने उहनां जगह दियां ना कसमां चुकियां कुरान च। एक ते अल्लाह ने कसम चुकी मक्कातुल मुकरमा दी, एक बैतुल हम दी कसम चुकी, एक तूरे सैना पहाड़ दी चुकी ते एक अल्लाह ने इसे जगह बैतुल मुकद्दस दी कसम उठाई। यानी कि हजरत इंसान नूं अल्लाह ने बना के फरमाया मेरे कसम है मैं इंसान नूं बड़ा सोहना पैदा किया है। ये कित्थे लिखे है? ये अल्लाह दे कुरान विच लिखे है सूरह तीन दे अंदर। मेरी दुआ है कि मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारिआं नूं अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब पैगंबर दे सीने पाक ते नाजुल होने वाला अल्लाह दा कुरान की बयान करदा है सूरह तीन ते तीसवां पारा। अल्लाह फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम। अल्लाह जानदा बंदा कुरान सुने ना ते सीने ठंडा ही पैंदियां जांदियां ने, बंदा कुरान दिल ला के सुने ते सीने ठंडा फ्रीजर नालों भी ज्यादा पैंदियां जे। ओए बंदा कुरान नाल दिल लावे ते मिठासां शायद नालों मिठियां आंदियां ने कुरान अंदर। अल्लाह फरमांदे ने आओ मैं तर्जमा करां, अल्लाह फरमांदे ने वतीन ओ सोणियो मैनूं तीन दी कसम है, वज़ैतून मैनूं जैतून दी कसम है, वतीन वज़ैतून वतूर सीने पहाड़ दी कसम है। अल्लाह सोने तीन दी कसम क्यों चुकी है? फरमाया तीन जड़ा है ए बैत लहम दे इलाके दे अंदर पाया जांदा है और बैत लहम दे इलाके दे अंदर मैं अपने नबी ईसा पैगंबर नूं पैदा कीता है, मैं तां कसम दियां चुकियां ने। फरमाया वज़ैतून
और जैतून दी कसम अल्लाह ने, जैतून दरख्तां दी कसम अल्लाह ने चुकी है। क्यों चुकी है? ऐसे वास्ते जनाब मैं तुहानू इस गल दा इस बाप नू वाज़े तौर ते समझाना चाहना। तफसीर इबने कसीर अंदर हजरत इमामे कताबा इबने ज़ैद दे हवाले दे नाल इमामे कसीर ने इन्हें जैतून दे जनाब जैतून दे दरख्त दी कसम नू इस तरीके दे नाल वादे कीता रब ने। क्यों कसम चुकी है? क्योंकि जैतून दा दरख्त बैतुल मुकद्दस दे इलाके दे अंदर पाया जांदा है। बैतुल मुकद्दस दे इलाके अंदर जैतून दा दरख्त पाया जांदा है। ते इमाम इब्ने कसीर ने हजरत अबू कताबा दे हवाले दे नाल कौल नकल कीता है, होवा मस्जिदुन बैतुल मुकद्दस इत जैतून तो मुराद बैतुल मुकद्दस अल्लाह दा पहला घर बैतुल्लाह तो जनाब किबला अव्वल मुसलमाना दा है। और अल्लाह पाक ने इस दे बारे बड़े वाज़े तौर ते फरमाया है, ओ लोगो गल सुनो ना, मेरे पैगंबर लिखे सलाम ने फरमाया ए ओ किबला अव्वले भाईओ मुसलमाना दा अजली ते अदबी अजली ते अदबी दुश्मन यहूदी है अक्सर मुसलमाना नु तकलीफ देने वास्ते इस मुकद्दस बैतुल मुकद्दस सरजमीन नु निशाना अक्सर बनांदे आ रहे ने ते बनांदे पए ने। लेकिन अल्लाह ने अपने या अल्लाह ताला ने अपनी जात दी कसम उठाई है कि मैं इस इलाके ते जनाब इस जगह नु रहिंदी दुनिया तक निशानियां विच रखना है। किबला अव्वल दा तारफ अल्लाह दे पाक पैगंबर ने भी फरमाया और नबी अलैहि सलाम ने कुरान पाक भी जड़ा नाज़िल मेरे पैगंबर ते होया है अल्लाह दे कुरान ने भी वाज़े तौर ते बयान फरमाया है। और सैयद नाज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु दे नबी पाक को सवाल कीता, सोने ए ते दसो कि सोने पैगंबर जी कुर्रा अर्ज दे उत्ते सारिआं नालों पहली मस्जिद जिहड़ी ओह किहड़ी बणी है? मेरे पैगंबर ने फरमाया सारिआं नालों पहला अल्लाह ताला ने अपना घर मस्जिद हराम नू तमीर कीता है। मस्जिद हराम नू तमीर कीता है, खाना काबा नू तमीर कीता है, बैतुल्ला शरीफ नू तमीर कीता है। पहला घर मस्जिद हराम बैतुल्ला अल्लाह दी जमीन ते बढ़न वाला। दुआ करो अल्लाह मैनू तुहानू सारिआं नू बैतुल्ला शरीफ दीआं हाजरीआं नसीब फरमाए। अल्लाह मस्जिद नबी दीआं रौणकां दुबारा बहाल फरमा। अल्लाह कोल दुआए अल्लाह खाना काबा दीआं रौणकां दुबारा बहाल फरमा। या रसूल अल्लाह अयो मस्जिद वुज़िया फिल अर्ज़ अव्वलो, सोणिआ इह ते दसो अव्वल मस्जिद केड़ी? फरमाया मस्जिद हराम। अल्लाह दे नबी जी उस तो बाद अल्लाह दी जमीन ते केड़ी मस्जिद बणी है? फरमाया बैतुल मुकद्दस नू अल्लाह ने तमीर कराया है। अल्लाह ने जनाब मस्जिद अक्सा नू तमीर करवाया है। और नबी पाक ने फरमाया मस्जिद अक्सा दी तमीर दे अंदर और खाना काबा दी तमीर दे अंदर 40 साल दा फासला है। अल्लाह ने पहले नंबर ते आदम पैगंबर दे हत्थों अल्लाह ताला ने खाना काबा दी तमीर करवाई है। बाद दे अंदर 40 साल नहीं गुजरे ते अल्लाह ताला ने अपने नबी आदम दे हत्था नाल फलस्तीन दे अंदर बैतुल मुकद्दस दी तमीर करवाई है। ए रवायत सही अल बुखारी दे अंदर आंदी है और सही मुस्लिम दे अंदर आंदी है। और बाद रवायत अंदर हजरत आदम पैगंबर तो बाद तमीरे नौ अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद पैगंबर को करवाई है। जदों जनाबे दाऊद पैगंबर मस्जिद अक्सा दी तमीर पे करदे सन अब्दी को बन गई मस्जिद अक्सा, अल्लाह ने वही कीती ए मेरे प्यारे दाऊद हुण इंज कर मस्जिद अक्सा दी तमीर नू छोड़ दे, मैं तेरे को इन्ना ही अपना अद्धा ही घर बनवाना सी, अद्धा घर तेरे को बनवाना वे, अद्धा घर तेरे पुत्र सुलेमान को बनवाना वे, अद्धा तू बनाया ते अद्धा तेरा पुत्र इनू मुकम्मल करेगा। और मेरे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल होने वाला कुरान है, फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही।
سبحان اللہ، فرمایا لوکو پاک ذات جن نے سیر اپنے بندے نو کروائیے، سبحان اللہ، پتہ لگا میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے اپنا برگزیدہ بندہ آکھیا اے۔ دعا کرو اللہ نبی پاک دی بشریت دے اتے ایمان رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہی، پاک او ذات جن نے سیر کروائی۔ ایک اور میں تمہیں گل سمجھاواں، اتنے ساڈے مولوی بھی پڑھتے ہیں والا گل اولا بے کمالی، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بالا گل اولا بے کمالی، نبی پاک اپنے کمال نال معراج تے گئے نے، نبی پاک اپنے کمال نال گئے نے۔ ادھر رب دا قرآن اس باب تے شیر دی نفی کردا ہے، سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہی، بالا گالو لا بے کمال ہی نڑ نہیں گئے، میرے نبی گئے نے تے اللہ تعالی دی رحمت دے نال معراج تے گئے نے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فرمایا لوکو پاک او ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصا تک، پتا لگا مسجد اقصا وی عظیم جگائے تے مسجد حرام تے اگے عظیم جگائے۔ او سونیو قرآن اندر جتھے مسجد حرام دا ذکر آیا اتھے مسجد اقصا دا نال ہی ذکر آیا۔ میرے پیغمبر دا معراج دا سفر شروع ہوندا پیا اے تے مسجد اقصا تو شروع ہوندا پیا اے۔ دعا کرو اللہ سانو خانہ کعبہ مسجد دیاں وی نمازاں نصیب فرمائے، اللہ مسجد نبی دیاں نمازاں وی نصیب فرمائے، تے اللہ مسجد اقصا دیاں وی نمازاں نصیب فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ خانہ کعبہ ہوندا ہے نا، خانہ کعبہ، خانہ کعبہ دے ویڑے دے اندر بندہ دو رکعت نماز پڑھدا اے، اللہ ایک لاکھ نماز دا ثواب عطا کر دیندا اے۔ تے جڑا بندہ مسجد نبی اندر آ جاندا اے، سبحان اللہ، ادھر ایک لاکھ دا ثواب تے ادھر ادھر میرے نال ویکھو، ادھر ایک لاکھ دا ثواب تے ادھر ایک ہزار نماز دا ثواب۔ تے جڑا بندہ مسجد اقصا وچ آندا اے، لو تہانوں کسی مولوی نے حدیثاں نہیں شاید سنائیاں ہونیاں پہلا، آؤ میں سمیع اللہ ساجد تہاڈی جماعت دا خادم اور تہاڈے دین دا خادم میں حدیث سناواں، اے تے پتہ لگا نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام دے اندر پڑھو لکھ دا، مسجد نبوی اندر پڑھو ایک ہزار نماز دا ثواب۔ تے جڑا بندہ مسجد اقصا اندر پڑھدا اے، سبحان اللہ، پتہ لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ جیڑا بندہ مسجد اقصا دے اندر دو رکعت نماز پڑھتا ہے، میرے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دے نے، روایت آتی ہے جناب سنن ابن ماجہ ابو داؤد دے اندر نسائی اندر، قال البانی امام ابن بانی نے نو صحیح حدیث آکھیا ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت کیتی ہے، اس حدیث نو نقل کیتا ہے عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نو، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے نبی سلیمان پیغمبر نے بیت المقدس نو بنا کے تے تین دعاواں کیتیاں سن، تین دعاواں کیتیاں رب دے نبی سلیمان پیغمبر نے۔ پہلی دعا کیتی ہے اللہ سونیا میں تیرا گھر بیت المقدس تے مسجد اقصا نو تعمیر کر دیتا ہے، اللہ میری پہلی دعا اے یا اللہ میرے کول فیصلے او کرامی جڑے فیصلے تیرے حکم دے مطابق ہون، میرے کول کوئی مندہ کوئی جناب برا فیصلہ نہ کروامی۔ دوسرے نمبر تے سلیمان پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ مینو انج دی بادشاہ دے دے جڑی بادشاہ دے پہلا تو کسے نبی نو وی نہ دتی ہوے، کسے بادشاہ نو وی انج دی بادشاہت نہ دتی ہوے۔ تے تیسری دعا کی تھی یا اللہ میں تیرا گھر بیت المقدس بنا دتا اے، تے جڑا بندہ مشرق مغرب نکلن والا شمال جنوب زمین دے چار چفیرے ہوا کے ایتھے نماز ادا کرے، اللہ او دے گناہ ساری معاف کر چھڑی۔
अल्लाह जेड़ा भी बैतुल मुकद्दस दे अंदर आके नमाज पढ़े उन्हूं इंज माफ कर दवी जिवें मां दे पेटू हुणे पैदा होके आया है, जिवें बच्चा गुनाहां तो पाक हुंदा है। ते मेरे नबी फरमांदे ने अल्लाह ने सुलेमान पैगंबर दीआं दो दुआवां कबूल कीतीआं, पहली दुआ भी कुरान अंदर, दूसरी दुआ भी कुरान अंदर। मेरे नबी ने अगे फरमाया मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद करना वा अल्लाह अपने नबी सुलेमान दी जीवी दुआ जड़ी ओ भी कबूल कीती होएगी। अल्लाह मस्जिद नबी अंदर, खाना काबा अंदर और बैतुल मुकद्दस दियां अल्लाह सानू नमाजा नसीब फरमाए। और मैं ते फिर मोहब्बत दे नाल प्यार दी गल उल्फत दी गल शेर शूर कदी पढ़े ते नहीं, ना पढ़ने ने जुमे अंदर, लेकिन मेरा प्यार है मोहब्बत है ये मैं क्यों जरूर कहांगा इस बात नू, ये वाज़े तौर पे पैगाम दवांगा। एक तड़प हुंदी है बंदे दी हरमैन नाल मक्के मदीने नाल, या अल्लाह सानू सारियां नू हज करा दे। उच्ची कह दियो आमीन। तारक काकड़ साहब भी तैयार सन, हाजी अब्दुल कयूम साहब भी तैयार सन, और मेरे भाई खां अपना शेख साहब भी तैयार, शमीउल्लाह साजिद भी तैयार, कारी खलील उरमान जवेद साहब भी तैयार, लेकिन मर्जियां की दियां ने। जो चांदा है बंदा उंज नहीं हुंदा, जो रब चांदा है मर्जियां मेरे रब दियां चलदियां ने। कई ऐसे बंदे ने जेड़े उमरा मक्का तुल मुकरमा दा रमजान दे महीने अंदर करिया करदे, कई ते हर साल खाना काबा ते मस्जिद नबी अंदर साल बाजू रमजान अंदर इतकाब करदे सन, लेकिन मर्जियां मेरे रब दियां। दुआ करो अल्लाह खाना काबा दियां रौनकां दोबारा बहाल फरमा, अल्लाह मस्जिद नबी दियां रौनकां दोबारा बहाल फरमा। आओ आओ अगे सुनो ना, मेरे नबी ने ए फलस्तीन दी सार जमीन नू मक्का जनाब मस्जिद बैतुल मुकद्दस नू बा बरकत आखिया, ते जनाब सार जमीन नबियां दी आखिया, ए नबियां दी सार जमीन है, क्योंकि इत्थे अक्सर अल्लाह दे नबी दुनिया ते आंदे रहने। कुरान सूरह अंबिया व नजैना वलूतन इला अर्ज़ लती बारकना फीहा लिलआलमीन। सूरह अल-अंबिया दे अंदर अल्लाह फरमांदे ने असी इब्राहिम ते लूत नू उन्हां ज़ालमां तों नजात दित्ती, फिर इला अर्ज़ लती ऐसे जमीन वल उन्हां नू भेजिया जिहड़ी बारकना फीहा लिलआलमीन। असी लूत इब्राहिम नू बैतुल मुकद्दस वल टोरिया गंदियां बंदियां तों नजात दे के, जिस बैतुल मुकद्दस दी जगह दे अंदर अल्लाह ने लोकां वास्ते बरकत रखी है। कुरान ने बैतुल मुकद्दस फलस्तीन नू बरकत वाली जगह आखिया, बरकत वाली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू रब ने किधर टोरिया? बैतुल मुकद्दस वल। ए ते जनाबे सैयद ना इब्राहिम पैगंबर ने हुण मूसा अपनी कौम नू किथे दाखल पे करदे ने, फरमाया या कौम इदखुलुल अर्ज़ा, या कौम इदखुलुल अर्ज़ा अर्ज़ल मुकद्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम। ए मेरी कौम इस मुकद्दस जमीन फलस्तीन दे अंदर दाखिल हो जाओ जिंदी अल्लाह ताला ने तुहाडे वास्ते किस्मत लिख दिती है। ये जमीन अल्लाह ने तुहाडी किस्मत दे अंदर बैतुल मुकद्दस दी लिख दिती है। हुण सुलेमान पैगंबर वास्ते इसे बैतुल मुकद्दस दियां हवावां नूं अल्लाह ने सुलेमान नबी दे ताबे कर दिता सी। कुरान पाक च हुंदा है वाले सुलेमान रीहा आसिफतन तजरी बे अमर ही इलल अर्ज लती बारकना फीहा। फरमाया लोको एक हवा तेज जड़ी चलदी है दुनिया दे अंदर, इस तेज तंदो हवा नू मैं अपने नबी सुलेमान दे कंट्रोल दे अंदर कर दिता सी। ए हवा चलदी सी मुल्क शाम दी तरफ, तिस हवा दे अंदर अल्लाह फरमांदे ने मैं बरकत रखी सी क्योंकि मेरे घर नूं आंदी सी। सुभान अल्लाह, ए मेरे घर वाल आंदी सी। और अल्लाह ने फरमाया मैं मरियम ते ईसा नूं भी इसे जमीन दे वाली कलिया। फरमाया वजअलन इब्न मरियमा, इब्ने मरियम नूं ते मरियम अलैहिस्सलाम नूं। अल्लाह फरमांदे ने मैं एक बुलंद टीले
वाल कर दिता, बुलंद टीले वाल कलिया। वह बुलंद टीला केड़ा है? वह बैतुल मुकद्दस ही। वह बुलंद टीला बैतुल मुकद्दस। और मेरे पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ओ सोणियो गल सुनो, गल सुनो। हुण मैं तुहानू दसणा चाहना, बाद बंदियां नू पता ही कोई नहीं, नबी पाक ने खाना काबा वाल कदू नमाज शुरू की थी। बैतुल मुकद्दस इन्हां ते पता है मुसलमाना दा किबला अव्वल है, लेकिन ए वी ते समझणा चाहीदा है कि मेरे पैगंबर ने किन्नियां नमाजां बैतुल मुकद्दस दे वल मुंह करके पढ़ियां ने। आओ आओ मैं जनाब सही बुखारी दा हवाला दवां। हजरत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला नु बयान फरमांदे ने, अन्ना रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला इला बैतिल मुकद्दस सित्ता ता अशरा शहरन। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने रवायत सही अल बुखारी दी है, हजरत बरा बिन आज़ब फरमांदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर ने बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा वल 16 या 17 महीने नमाज मुंह करके पढ़ी है। 16 या 17 महीने बैतुल मुकद्दस दे वल मुंह करके अल्लाह दे नमाज पढ़ीए। अल्लाह दे पैगंबर नमाज पढ़ते रहे, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिता, फिर मेरे नबी दा ख्याल भी सी मैं खाना काबा नू अपना जनाब किबला बना लवा। रब दे हुक्म नल फिर एक दिन असर दी नमाज वल मेरे पैगंबर ने बैतुल्ला वल मुंह कर लिया। पहला बैतुल मुकद्दस दे वल मुंह करके मेरे पैगंबर ने नमाज पढ़ीए। और अगे तो जो फरमाओ, मेरे पैगंबर फरमाते ने किसे इलाके दा सफर जायज नहीं सवाब दी नीयत नाल, किसे शहर दा सफर जायज नहीं सवाब दी नीयत नाल, किसे पिंड दा सफर जायज नहीं सवाब दी नीयत नाल, किसे सूबे दा सफर जायज नहीं सवाब दी नीयत नाल, किसे मुल्क दा सफर सवाब दी नीयत नाल जायज नहीं, बल्कि मेरे पैगंबर फरमाते ने मैं रोकना वा कोई भी सवाब दी नीयत नाल किसे जगह वल चल के ना जावे, मगर 4 जगह दे वल सफर करना सवाबे, 4 जगह दे वल जाना सवाबे। आओ मैं हदीस सही मुस्लिम दी 1108 जनाब 69 हदीस 1397 मुस्लिम दे अंदर ये 2 हदीसां मेरे पैगंबर ने कठियां बयान कीतियां। आओ मैं पैगंबर दियां हदीसां विचों हदीस सुनावां। मेरे पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने इल्ला इला सलासा ते मसाजिदा। इत्थे मेरे पैगंबर ने फरमाया लोगो 3 ऐसियां जगह ने, 3 ऐसियां मस्जिदा ने जिन्हां नाल जिन्हां वल सफर करना भी सुहावे, जिन्हां वल जाना भी सुहावे। पहली जगह मेरे पैगंबर फरमांदे ने अल मस्जिदिल हरामी। सुभान अल्लाह। बैतुल्ला ओए सोणियो दुआ करो अल्लाह दिल तरस गया ही, अल्लाह बैतुल्ला दियां कंधां विखा दे, अल्लाह बैतुल्ला दे गुलाब दे नाल चंबड़ के रोण नू जिल करदाई, अल्लाह मुल्तजिम नाल चंबड़ के दुआवां करन नू जी करदाई, अल्लाह हजरे असवद नू चुम्मण ते जी करदाई। अल्लाह सोणिया ओ कदू मौका वे दिनों रात ना पवे अल्लाह लै जाए खाना काबा दे अंदर। मेरे पैगंबर ने फरमाया लोगो ए खाना काबा अमन वाली जगह है, जेड़ा बंदा काबा तुल्ला दे अंदर आ जांदा अमन वाली जगह दे अंदर आ जांदा है। दुआ हर साल है मेरी के मैं मौला दे घर जावा, करे मंजूर जे अल्लाह मैं हज काबे दा कर आवा। दिल करदा मक्के मदीने नू फेरियां पावा मैं नस नस के, चक्कर कटा मैं भज भज के, ये मेरी दिली तमन्ना है इसनु पूरिया ही कर आवा। जायज नहीं सफर, मगर 3 जगह दा जगर नबी पाक ने इजाजत दिती है सवाबे। पहला मस्जिद हराम जाना सवाबे, नीयत बन के जाना सवाबे। और दूसरी जगह मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
मस्जिद रसूल, मस्जिद रसूल वाल आना भी सुआबे, मस्जिद नबी वाल सफर करना भी सुआबे, मस्जिद नबी अल जाना भी सुआबे, मस्जिद हराम वाल जाओ एक लख नमाज का सुआब, सुने मस्जिद नबी वाल जाओ एक हजार नमाज का सुआब, जे मस्जिद अक्सा वाल आओ तो अल्लाह सारी गुनाह माफ कर देता है, जिम्मे खाना काबा के अंदर जाइए तो गुनाह माफ होंगे ने, इवें मस्जिद अक्सा अंदर जाइए तो अल्लाह जो भी गुनाह माफ कर देता है। वह सुने जिमें मैं अगे किया ये शाम फलस्तीन सर जमीन ओ जमीन है जिथे मेरे पैगंबर नू अल्लाह ने इमाम अंबिया बनाया है। मेरे पैगंबर फरमाते ने मैं जनाब अल्लाह ताला ने जनाब मेनू उठाया ते जिबरील दे जरिए बुराक दे जरिए जनाब एक रात दे अंदर अल्लाह ने मेनू फलस्तीन दी बैतुल मुकद्दस फलस्तीन दी मस्जिद जेड़ी मस्जिद किबला वल उत्थे पहुंचाया। मेरे नबी फरमाते ने मैं जाके की वेख्या मस्जिद अक्सा खचा खच जनाब नूरानी चेहरिया नाल भरी पई है, बड़े बड़े प्यारे प्यारे चेहरे उत्थे मौजूद ने, बड़े बड़े सोहने सोहने मुखड़िया वाले बंदे मौजूद ने, मस्जिद हराम मस्जिद अक्सा भरी पई है अल्लाह के नबियां दे नाल पैगंबरां दे नाल। मेरे पैगंबर फरमाते ने ओ लोगो मस्जिद अक्सा और फलस्तीन और मुल्के शाम अल्लाह की जमीन का ओ खिता है जिथे बयाक वक्त अंदर अल्लाह ने सारे नबियां नू जमा कर दिता है, जिथे अल्लाह ने सारे नबियां नू जमा किया है। मेरे पैगंबर फरमाते ने फहानत सला तो फमाम तो खुम, मेरे पैगंबर फरमाते ने मैं वेख रहा वा जिबरील मेनू तारफ करवा रहा है, सोने नबिया ये मस्जिद अक्सा वे मस्जिद अक्सा के अंदर अल्लाह ताला ने सारे नबी तुहाडे इस्तकबाल के अंदर जमा कर दिते ने। आदम पैगंबर नजर आ रहे ने, अनू पैगंबर नजर आ रहे ने, अलूत अलैहि सलाम ने, यूसुफ अलैहि सलाम ने, यकूब अलैहि सलाम ने, याह्या अलैहि सलाम ने, ज़करिया अलैहि सलाम ने, हूद अलैहि सलाम ने, जनाबे ईसा अलैहि सलाम ने, जनाबे यूशे अलैहि सलाम ने, जनाबे लूत अलैहि सलाम ने, जनाबे इसहाक अलैहि सलाम ने, जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम ने, जनाबे ज़करिया अलैहि सलाम ने। जिब्रील मस्जिद अक्सा अंदर फलस्तीन के अंदर मुल्के शाम के अंदर मेराज के सफर के मौके से मेराज के सफर की तदाब के मौके से मेरे पैगंबर नबियां का तार करवाता गया सफा लगता गया। मेरे पैगंबर फरमाते ने हुण अगे वेखिया नमाज ते जमात का वक्त आया है ते जिब्रील ने मेरा इंज करके बाजू पकड़ के मुसल्ला इमामत ते कर दिता है। फलस्तीन वो जगह है जिथे मेरे मुहम्मद नू अल्लाह ने नबियां का इमाम बनाया है, मेरे पैगंबर नू इमाम उल अंबिया का लकब केड़ी जगह ते मिलिया मुल्के शाम दे अंदर जिथे अज जुलम हो रहा है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने लोगो कयामत तक वास्ते और एदी थोड़ी को हिस्ट्री का भी तुहानू पता होना चाहिए ये ओ होई जगह है जिथे ईसाइया ने जनाबे सैयद उमर फरूक दे नाल मुआयदा लिखिया, फिर मुआयदा लिखिया ते जनाबे सैयद उमर फरूक नू ईसाइया ने बैतुल मुकद्दस का बगैर लड़ाई तो कब्जा दिता सी। ओही जगह जिथे बगैर लड़ाई तो जनाबे जनाबे सैयद ना उमरे फरूक ने कब्जा लिया ईसाइया कोलों, फिर जनाब पांच सात सौ साल गुजरे बाद दे अंदर फिर ये जनाब मुसलमाना दी कमजोरी तो वजह तो फिर ईसाइया दी जनाब जमात को बैतुल मुकद्दस फिर चला गया। फिर एक वक्त आया सलाउद्दीन अय्यूबी ने जनाब ऐसी जंग की जिन्हों सलीबी जंगा कहते ने, इन्हों काफरां ने इन्हों यहूदी नसारा के दिलों के अंदर बड़ी नफरत सी और फिर जंगा का दुख सी और बैतुल मुकद्दस ते खुसन का भी दुख सी। फिर जनाबे जनाब सलाउद्दीन अय्यूबी ने जंग की ते फिर दोबारा मुसलमाना दे कब्जे अंदर बैतुल मुकद्दस आया। और याद रखो फिर पांच सात सौ साल गुजर गए बाद दे अंदर जनाब एक कु सदी पहले चले जाओ फिर बैतुल मुकद्दस जड़ा है साढ़े मुसलमाना की कमजोरी की वजह तो फिर वापस चला गया
यहूदियां कोल अज कौन आवे उमर जैसा बैतुल मुकद्दस नु आजाद कराए अज किथों उमर नु लभ के ले आईए जिहड़ा उन्हां यहूदियां दे चुगल विचों मुसलमानां दे किबला अव्वल नु आजाद करवाए किथों आए उमर जिहड़ा ऐलाने जंग करे अज ऐलाने जंग कीता जाए जिहाद दा नाम लिया जाए साडे मुसलमानां दे हुक्मराना नु पता नहीं की बन जांदा है जे हुण जिहाद नहीं फर्ज ते दसो कदों फर्ज है मेरे पैगंबर लिखे सलाम दे दौरे पाक अंदर इंज दा मंदर आया ही कोई नहीं कि इन्ने मुसलमान होण इन्ने मुसलमानां दी तादाद होण दे बावजूद बैतुल मुकद्दस ते फलस्तीन दे मुसलमानां ते जुल्म कीता जाए उहनां नूं बंबां दीआं धमाकियां नाल उडा दिता जाए उहनां दीआं घरां नूं बंबां दीआं धमाकियां नाल उडा दिता जाए हुण नी जिहाद फर्ज ते कदों फर्ज है मुसलमानां दे हुक्मराना नूं चाहीदा है बैतुल मुकद्दस ते जुल्म हुंदा वेख के तमाम ऐलाने जंग भी करन जिहाद दा ऐलान भी करन सऊदी अरब नूं चाहीदा है इसराइल दे खिलाफ ऐलाने जंग भी करन ते जिहाद दा ऐलान भी करन पाकिस्तान दे हुक्मराना नूं चाहीदा है उहनां यहूदियां दे खिलाफ ऐलाने जंग भी करन ते जिहाद दा ऐलान भी करन ओ लोको पूरी दुनिया दे मुसलमानां नूं हुण चाहीदा जिहाद दा ऐलान करन बैतुल मुकद्दस नूं बचावण क्योंकि मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ने मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ड्यूटी लाई है और मैं मुहम्मद दे उम्मतियां दी ड्यूटी लाई है बैतुल मुकद्दस नूं जनाब आजाद करवाना और इहदी हिफाजत करन दे मामले अंदर आओ तवज्जो कीजिए तवज्जो कीजिए मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनियां दे दौर दे अंदर ईमान सारा सिमट के बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा अंदर चला जाएगा क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस दे हवाले नाल मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर फरमांदे ने मैं सुता पिया वां ते मैनूं ख्वाब आईए नबी पाक ने फरमाया मेनू ख्वाब आया मैं ख्वाब अंदर देख रहा मेरे तकिए दे नीचे किताब है किताब दा सुतून उठाया गया ते ओ उठा के ते बैतुल मुकद्दस मुल्के शाम वल ले जाया गया मुल्के शाम वल जदों ले जाया गया ते ओ एक नूर सी नबी पाक ने फरमाया लोगो याद रखो फितनियां दे दौर आण के फितने रूनमा होण के ते पूरी दुनिया दा ईमान सिमट के मुल्के शाम फलस्तीन दे अंदर चला जाएगा बैतुल मुकद्दस दे अंदर नबी पाक दी ए भी हदीस है कयामत दे करीब पूरा ईमान सिमट के मदीना मुनव्वरा अंदर जाएगा लेकिन कयामत तो कबल पूरी दुनिया दे फितने रुनमा होणगे पूरी दुनिया दा ईमान मदीने जान तो पहला किथे जाएगा मुल्क शाम अंदर और आप फरमांदे ने जदों फितने बरपा होण मैं मुसलमानों तुहानू हुक्म देना तुसी भी मुल्क शाम में चले जाया जे क्योंकि शाम अल्लाह दी बरकत वाली जगह है ये शाम ओ जगह है मेरे पैगंबर फरमांदे ने कयामत आएगी क्यों जी आनी है कि नहीं दुआ करो अल्लाह सानू कामयाबी नसीब फरमाए नबी पाक ने फरमाया कयामत आएगी ते क्यामत दा जिहड़ा अल्लाह ने दिन कैम करना है वह किथे करना है मैदाने माशर किथे लगेगा तोजो मेरे वल तोजो मेरे वल नबी पाक फरमांदे ने मैदाने माशर अल्लाह ने फलस्तीन दी जगह ते लाना है फलस्तीन ते मुल्के शाम दे अंदर मैदाने माशर लगेगा और नबी पाक ने फरमाया क्यामत दे करीब दज्जाल भी आना है और दज्जाल आएगा मुसनद अहमद की हदीस है लेकिन चार जगह पे दज्जाल नहीं दाखिल हो सकेगा चार जगह पे पहली जगह हजरत नबी पाक ने फरमाया याती अरबाता मसाजिदा चार मस्जिदों के अंदर बोलो दज्जाल जा सकेगा चार जगह पे दज्जाल नहीं जाएगा पहली जगह आप फरमांदे ने खाना काबा अंदर दज्जाल नहीं जा सकेगा दूसरी जगह मदीन मस्जिद अक्सा अंदर दज्जाल नहीं जा सकेगा तीसरी जगह कोहे तूर ते भी दज्जाल नहीं जा सकेगा और चौथी जगह मदीना मुनव्वरा अंदर दज्जाल की जुरत ही नहीं होगी अल्लाह ने चार जगह पे दज्जाल का दाखला बंद किया और मेरे पैगंबर फरमांदे ने रवायत सही अल बुखारी अंदर मार नबी दज्जाल दे फितने तो डरा
डरांदारे आए हर नबी दज्जाल दे बोलो फितने तू डरांदा रहे हैं ते मैं मुहम्मद भी तुहानू दज्जाल दे फितने तू डरावना वा लेकिन याद रखो एक फितने दज्जाल तू एक नबी डराया कोई नहीं सारे नबियां ने डराया लेकिन किसी नबी ने दज्जाल की एक खामी नहीं दसी मैं मुहम्मद सल्लम तुहानू दज्जाल की खामी दसना पिया वा कि वह अख तू काणा होएगा क्यों जी इधर मेरा वेखो अख तू बोली अख तू दज्जाल अख तू कण है एक बंदे ने सवाल किया मौलवी जी ये दसो भी दज्जाल अख तू नबी ने फरमाया कण है तो बेवकूफ हो गए मुसलमान जेडे दज्जाल काणा वेख के मन गए कोई नबी पाक ने निशानी चो बयान कर भी दज्जाल काणा होएगा अख तू एक अख तू काणा होएगा हजरत सैयद सत्यान शाह नकवी अल्लाह उन्होंने सेहत वाली जिंदगी दे आमीन कह दी हजरत शाह साहब ने पूछा भी वह किड्डे बेवकूफ होणगे जिहड़े दज्जाल नूं मन्नणगे ते काणा वेख के मन लैणगे ते शाह राम जिहड़े बंदे ने सवाल किया ना वह बंदा सिगरटां पींदा सी शाह ही कहिंदे ने दज्जाल आ जा मेरा ईमान है सारे नाल पहले तू मन्नेगा सब तो पहले तू मन्नेगा वह कहिंदा जी वह कहिंदे फरमान लगे सिगरट पीना जी पीना डब्बी बार कट डब्बी बार कटी उत्ते की लिखा है सिगरट नोशी सेहत के लिए बोलो सिगरट नोशी सेहत के लिए मुदर है सेहत के लिए मुदर है तू पीती रखना है मुदर वेख के भी तेरे वर्ग के कई ने उन्हें पढ़ के भी सुन के भी वेख के भी मनी रखना है याद रखो दज्जाल दे फितने तू ओहो ही बचेगा जिन्हों अल्लाह अपनी तौफीक नाल बचाएगा सुभान आपने फरमाया दमिश्क दे मीनारा ते शर्की मीनारा ते कयामत दे करीब ईसा अलैहि सलातो सलाम उतरनगे और मेरे नबी ने फरमाया लोगो कयामत दे करीब अल्लाह ताला ने निशानियां निक्कियां भी विखाणियां ने ते वड्डियां भी विखाणियां ने अलामात सुगरा ते कुबरा दे अंदरों वड्डी निशानी ए वे कयामत आएगी कयामत दे करीब जनाब ईसा बिन मरियम दुनिया ते आणगे कयामत आएगी जनाब सैयद ईसा बिन मरियम दे नाल दज्जाल दा फितना भी आएगा कयामत आएगी वड्डियां निशानियां चो भी निशानी इमामे माती भी आणगे कयामत आएगी याजूज मजूज दी कौम दा फितना भी आएगा मेरे महबूब पैगंबर दियां हदीसां सुनदे चले जाओ ते मैं बाप नूं खत्म करां जुमे दा वक्त खत्म हो रहा है ध्यान मेरे वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोको गल सुनो बैतुल मुकद्दस दे करीब एक लुद्ध नामी जगाए लुद्ध नामी जगह ते ईसा अलैहि सलाम ढूंढदे दज्जाल नूं पहुंच जाणगे और बाबे लुद्ध दे करीब लुद्ध दरवाजे दे करीब आज भी वो जगह मौजूद है बैतुल मुकद्दस दे अंदर मौजूद है उत्थे जाके ईसा बिन मरियम दज्जाल नूं कतल कर देणगे ये फलस्तीन दी करीब जगह है और जनाबे ईसा बिन मरियम उत्थे दज्जाल दा मुकाबला करनगे सब तों पहली गल सुणीए मेरे पैगंबर फरमांदे ने ईसा बिन मरियम दमिश्क दी इक मस्जिद दे मीनार उतरनगे दमिश्क दी एक मीनार मस्जिद दा मीनार होएगा ईसा बिन मरियम जुआ फरिश्तियां दे जनाब परां ते हाथ रखे होणगे ईसा बिन मरियम जमीन ते आणगे और जमीन ते किन जाणगे ईसा बिन मरियम नूं फरिश्ते जनाब उस मस्जिद दे मीनार ते उतार के छोड़ के चले जाणगे मेरे नबी नूं पुछया सहाबा इकराम ने सोहणे महबूब जी ए ते दसो ना ईसा बिन मरियम नूं दमिश्क दे मीनारां दी मस्जिद ते उतार फिर मीनार तू ईसा अलैहि सलाम थले किन जाणगे मेरे पैगंबर फरमांदे ने उदों ते मुसलमान मीनार वल पौड़ी लाणगे पौड़ी ला के सीढ़ी ला के जनाबे सैयदना ईसा बिन मरियम नूं उतारनगे अकाम दा वक्त करीब हो चुकिया होएगा ईसा अलैहि सलाम तो पहला इमामे मादी दी आमद हो चुकी होएगी इमामे मादी कौन ने आओ मैं दसा इमामे मादी ना नबी ने ना रसूल ने ना पैगंबर ने मेरे पैगंबर फरमांदे अरब का खलीफा मुसलमाना दा एक नेक बंदा होएगा उदा नाम मुहम्मद होएगा मेरे नाम दे उत्ते उदा नाम होएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदे बाप दा नाम अब्दुल्ला होएगा मेरे बाप दे नाम ते नाम होएगा ओ जनाब फिर पूरी दुनिया ते अल्लाह दे दीन दी तबलीग करदा करदा बैतुल मुकद्दस दे अंदर भी जाएगा इस तों पहला दमिश्क दी मस्जिद दे अंदर इमामत करवाणगे हजरत इमामे माती जदों इमामत कराणगे फजर का
वक्त करीब होएगा, फजर दी अजान हो चुकी होएगी, अकामत दा वक्त करीब होएगा, जमात दा वक्त करीब होएगा। हजरत सैयदना ईसा बिन मरियम उतरनगे ते जनाबे सैयदना इमामे मादी नाल मुलाकात होएगी, ते इमामे मादी हजरत ईसा बिन मरियम नू वेख के पछाण लैणगे और नबी पाक दी पशीन कोई सच्ची हो जाएगी, कयामत आएगी ते ईसा बिन मरियम जमीन ते आणगे, इमामे मादी उन्हों जमाना नू जमात करन दी दावत देणगे। हजरत जी आओ जमात करवाओ, ईसा बिन मरियम नू जमात करवाण दी कौन दावत देवेगा? इमामे मादी दा दावत देणगे। अगो हजरत ईसा बिन मरियम कहणगे, फरमाणगे, इमाम जी आज मैं मुहम्मद की उम्मत का गुलाम बन के आया हूं, इमाम बन के ते मैं आया ही कोई नहीं। फिर इथों जनाबे ईसा बिन मरियम अलैहि सलाम, फिर जनाबे ईसा अलैहि सलाम ते हजरत इमामे मादी दज्जाल दा पीछा करनगे। इधर यहूदियां दे इलाके दे अंदर गल मशहूर हो जाएगी, दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया, ते हजरत ईसा बिन मरियम एक मुसलमाना दा वफद भेजणगे, पता करो दज्जाल आया कि नहीं आया। झूठ बोलते ने कि सच बोलते ने? मेरे पैगंबर फरमाते ने जो मुसलमाना दा वफद उत्थे पहुंचे दज्जाल नहीं आया होएगा, झूठी खबर होएगी। जब वो वापस चलणगे उधरों जनाब दज्जाल दी आमद हो जाएगी। हजरत ईसा बिन मरियम और जनाब इमामे मादी दज्जाल ना तीन दिन जंग करनगे, तीन दिन जंग करनगे। पहले दिन भी जनाब इलाने जंग जिहाद करनगे, पहले दिन भी इमामे मादी ते हजरत ईसा बिन मरियम ते मुसलमानां नूं उहनां दे अंदरों जनाब फतह नहीं मिलेगी, दूसरे दिन भी फतह नहीं मिलेगी, तीसरे दिन भी जंग हार जानगे। और जनाब मेरे पैगंबर फरमांदे ने फिर दज्जाल नूं लभदियां लभदियां ईसा बिन मरियम बैतुल मुकद्दस दे नेड़े लुद्द दे मुकाम ते पहुंचणगे। जदों पहुंचणगे दज्जाल नाल सामना होएगा, ईसा बिन मरियम सलेब नूं तोड़नगे, दज्जाल नूं कतल करनगे। हले दज्जाल नूं कतल ही करनगे ते उधरों यजूज मजूज दी कौम दा फितना उठ पवेगा, ये ऐसी कौम होएगी। मेरे नबी फरमांदे ने समंदरां दा मूंह करनगे ते पानी पी जाणगे, और दरियावां दा मुंह करनगे दरिया वेले कर देणगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया ये फिर आसमानां वल जमीन वल जनाब बंदियां दी कतलो गारत करनगे, कतलो गारत करन को बाद मेरे पैगंबर फरमांदे ने याजूज मजूज दी कौम आसमानां वल तीर सुटेगी और आपस अंदर कहेगी कौम असीं जमीन वालियां नूं ते कतल कर दिता है, हुण आसमान वाले भी मुकाने आ। मेरे पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ओ लोको अल्लाह सुरख रंग दे खून वांग दे भर के जमीन वल सुट देवेगा। ये कहणगे असीं आसमान वालियां नूं भी मुका दित्ता है। मेरे नबी फरमांदे ने फिर एक खुमर नामी पहाड़ दे करीब पहुंचणगे, ये पहाड़ बैतुल मुकद्दस दा पहाड़ है। इत्थे जाके जदों पहुंचणगे फिर ईसा बिन मरियम इन्हां वास्ते बददुआ करनगे, फिर इन्हां नूं फोड़ा निकलेगा, ताबून दी बीमारी फैल जाएगी और याजूज मजूज दी कौम सारी हिलाक हो जाएगी ईसा बिन मरियम दी बद्दुआ दी वजह तो। अगे याद रखो, आओ नबी पाक दी बुखारी मुस्लिम दी हदीस सुनावा। आप फरमांदे ने ला तकूम सातो हत्ता तुकादिलुल यहूदा, फरमाया लोको उन्नी देर तक कयामत नहीं कायम होएगी जिन्नी देर तक अल्लाह सफ़ा हस्ती तो यहूदियां नूं खत्म नहीं कर देवेगा, यहूदियां नूं मुका नहीं देवेगा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने हत्ता के किसे दरख्त दे पिछे यहूदी छुपे होणगे, किसे पत्थर दे पीछे यहूदी छुपे होणगे, पत्थर बोल पैणगे या मुस्लिम हाजल यहूदियो वरानी फक्तलुहु, ए मुसलमान ए कत्ल करे नु पकड़े यहूदी मेरे पीछे छुपिया होया ही। मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम ने फरमाया आज फिर वेखो पूरी दुनिया दे यहूदी इसराइल वल जमा हो रहे ने, ए एवें जमा नहीं हो रहा, मेरे पैगंबर दी दुआ ते जा रहे ने, मेरे पैगंबर दी पशीन गोई ते जा रहे ने। ए कोई वजह पूरी दुनिया दे यहूदी इसराइल अंदर जमा हो रहे ने, असल अंदर जमा क्यों हो रहे ने? वो अपनी मकतल गाह वल जा रहे ने, अपनी मरम दी जगह वल जा रहे ने। और याद रखिए मेरे पैगंबर ने फरमाया जदों बैतुल मुकद्दस फतह हो जाएगी दोबारा मुसलमानों के कब्जे अंदर ये जगह दोबारा आ जाएगी, फिर अल्लाह पाक फिर ऐलान करनगे इसराइल इसराफील या जनाबे जिब्राइल सूर फौंकणगे
फूर फौकन गे ते ओ किथों सूर दी जना फूक मारी जाएगी, बैतुल मुकद्दस दे लागे उपारी जाएगी। मेरे पैगंबर फरमांदे ने ओ लोको पूरी दुनिया दे विचों अग कयामत दे करीब निकलेगी, जड़ी सारिया नू अगे ला के ते मुल्के शाम दे अंदर चली जाएगी। सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। ओ सोणियो, अल्लाह ने मेरे नबी नू मस्जिद नबी तू मस्जिद अक्सा वल खाना काबा तू मस्जिद अक्सा वल क्यों बुलाया है? तुसी दसो क्यों बुलाया? मैं दसना वा, इस वजह तू बुलाया लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह निशानियां विखाना चाहता सी, और निशानियां केड़ियां ने? इस वजह तू कि मेरे सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लो, तुसी जिस जिस जगह का ऐलान करोगे जगह है जिथे मैं माशर का मैदान कैम करना है। मेरे सोनिया महबूबा वेख लै, जगह जिथे दज्जाल ईसा बिन मरियम कतल करे आयातिना। जगह जिथे ईसा बिन मरियम दज्जाल दे जनाब कतल का सबब बन गए, और फिर यजूज मजूज नू अल्लाह फरमांदे ने मैं कयामत दे करीब ऐलान करना ई। ए ओ जगाई जिथे मैं अपना अर्श लेना ई ते मैं लोकां दा हिसाब किताब लेना ए। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ओ जगह तारफ बैतुल मुकद्दस दा, तारफ मस्जिद अक्सा दा बहुत जरूरी। मैं आम फैम लफ्जां दे अंदर थोड़ा थोड़ा चीदा चीदा बयान कर दिता है। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह ताला ए भी किबला हरम पहला भी वेखण दी अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अज अल्लाह को असी दुआ ते कर सकदे आ, इन्ना मल मोमिनूना इखवा मुसलमान मुसलमान दा भाई है। या अल्लाह फलस्तीनियां दे जिहड़े जुल्म कर रहे नाल यहूदियां दा बेड़ा गर्क फरमा। अल्लाह यहूदियां नू तबाहो बर्बाद फरमा, अल्लाह उन्हां दी तबाही मचा दे, उन्हां दुनिया ते इबरत दा निशान बना जिन्हां बच्चियां कोलों मावां खो लईआं, और जिन्हां ने जनाब बच्चियां कोलों बाप खो लै। कईआं धीआं नूं दुनिया दे अंदर बेवा कर दिता, कईआं बच्चियां नूं यतीम कर दिता, कईआं मावां दीआं झोलियां वेलियां कर दित्तियां। अल्लाह कोलों असीं बस दुआ करने आ, या अल्लाह यहूदो नसारा दा बेड़ा गर्क फरमा, अल्लाह तबाह फरमा उन्हां नूं जिन्हां ने बैतुल मुकद्दस ते जुल्म कीता। सुभान रब्बी रब्बी का रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।